नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट के वीकली आउटलुक पर। हम इस आउटलुक में जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होंगे और मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें इक्विटी मार्केट की, तो हमने देखा कि डाउ जोन्स करीबन 0.31% गेंस के साथ 34,861 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर हमने डाउन ट्रेंड आते हुए देखा। सेंसेक्स करीबन 0.87% की गिरावट के साथ 57,362 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी के अंदर करीबन 0.78% की गिरावट रही और निफ्टी करीबन 17,153 के लेवल पर बंद होता हुआ देखा गया। हमने देखा कहीं ना कहीं हायर लेवल पर FIIs की सेलिंग होने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली, जबकि अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ। लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट 16,000 के आसपास था, वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो करीबन 16,800 से लेकर 16,300 के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए और रेजिस्टेंस करीबन 17,550 से लेकर 17,900 के बीच रहेगा। हमें लगता है कि जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है और इक्विटी मार्केट हमें लगता है नेक्स्ट वीक भी बाउंस बैक के साथ ट्रेड हो सकती है, तो यहाँ पर लोअर लेवल पर खरीदारी की सलाह रहेगी। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। गोल्ड के भाव करीबन 1.14% की गेंस के साथ 52,388 के स्तर पर बंद हुए। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $1,957 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखा गया। यहां पर भी करीबन हमने 2% तक के आसपास की बढ़त बनते हुए देखी। गोल्ड के अंदर फ्रेश डिमांड आने की वजह से और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की वजह से, हायर क्रूड और ऑयल के प्राइसेस होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी। गोल्ड की डिमांड फिजिकल फॉर्म में ETF फॉर्म में बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों में तेजी देखने को मिली। अगले हफ्ते के लिए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51,800 से लेकर 51,300, रेजिस्टेंस 52,800 से लेकर 53,300 का हो सकता है और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है $1,975 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं और MCX में 52,800 से लेकर 53,000 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी करीबन 1% से ज़्यादा की गेन देखने को मिले। MCX में सिल्वर के भाव 68,836 के स्तर पर बंद हुए। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के भाव करीबन $25.48 पर आउंस के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। सिल्वर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 67,500 से लेकर 66,000 और रेजिस्टेंस 70,000 से लेकर 71,000 के बीच रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है। टेक्निकल चार्ट्स गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव लगता है। हमें लगता है कि सिल्वर के भाव ऊपर में 69,500 से लेकर 70,000 तक के लेवल दिखा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $26.20 पर आउंस के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं अगर हम बात करें अब बेस मेटल्स की, बेस मेटल में हमने एक मिलाजुला रूप देखा। कॉपर के भाव ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होते हुए 818.90 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉपर में अगले हफ्ते के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 805 से लेकर 790, रेजिस्टेंस 835 से लेकर 845 का रहेगा। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव है। फंडामेंटल साइड जाएं तो क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से यहाँ पर और तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कॉपर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट 830 से लेकर 835 तक के लेवल कॉपर दिखा सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। 5% से ज़्यादा के गेंस जिंक के अंदर देखने को मिले और 338 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। जिंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 330 से लेकर 322, रेजिस्टेंस 345 से लेकर 355 का रहेगा। हमारा मानना है जिंक के अंदर अगले हफ्ते के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 345 से लेकर 350 तक हो सकता है। वहीं अगर हम देखें एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के अंदर हमने 6% से ज़्यादा के गेंस आते हुए देखे और एल्युमिनियम के भाव 291.45 के स्तर पर देखने को मिले। एल्युमिनियम की शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। एल्युमिनियम में महत्वपूर्ण सपोर्ट 285 से लेकर 277, रेजिस्टेंस 298 से लेकर 305 का रहेगा। एल्युमिनियम में अगले हफ्ते के लिए खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर टारगेट 298 से लेकर 302 का हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें अब क्रूड ऑयल की, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने क्रूड और नेचुरल गैस में आते हुए देखी। क्रूड के भाव जहाँ पिछले हफ्ते 9% से ज़्यादा की तेजी के साथ 8,618 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए, वहीं नेचुरल गैस के भावों में हमने करीबन 14% की तेजी देखी और नेचुरल गैस के भाव 426.40 के स्तर पर बंद होते देखे गए। सप्लाई शॉर्टेज होने की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं एक तेज़ी बनते हुए देखी। US के वीकली हमने डेटा देखे जहाँ पर हमने सप्लाई शॉर्टेज को आते हुए देखा और यहाँ पर क्रूड के भावों में हमने अगेन तेज़ी लौटती हुई देखी। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 8,200 से लेकर 7,700, रेजिस्टेंस 9,000 से लेकर 9,450 का रहेगा।
यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट 8,900 से लेकर 9,000 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $125 से लेकर $127 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 405 से लेकर 375, रेजिस्टेंस 445 से लेकर 460 का रहेगा, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है। और नेचुरल गैस के भाव ऊपर में 445 से लेकर 450 तक के लेवल को छू सकते हैं। तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में अगले हफ्ते के लिए भी खरीदारी का ट्रेंड कायम रह सकता है। अब हम बात करते हैं करेंसी सेगमेंट की। करेंसी सेगमेंट में हमने देखा यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हुआ, 0.47% की तेज़ी यूएसडी आईएनआर में रही। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला, डॉलर के अंदर थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। यूएसडी आईएनआर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75.70 से लेकर 75.30 तक रहेगा, रेजिस्टेंस जोन जो है 76.60 से 77 के बीच रहेगा। हमारा मानना है यूएसडी आईएनआर में ट्रेडिंग रेंज बनी रहेगी जो कि नीचे में 75.70 से 76.60 के बीच रहेगी। यहाँ पर हमारा मानना है रुपी में हम हायर लेवल पर एप्रिसिएशन देख सकते हैं, तो रुपी में यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो डॉलर के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे यहाँ पर करीबन 75.70 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम जीबीपी आईएनआर की बात करें तो यहाँ पर हमने ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए देखा और जीबीपी आईएनआर 0.42% के गेंस के साथ 100.56 के लेवल को देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर हमने हायर लेवल्स देखे थे मगर वहाँ पे जीबीपी आईएनआर सस्टेन नहीं होता हुआ दिखाई दिया और हमने एक हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। जीबीपी आईएनआर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 से लेकर 99.20 रहेगा, रेजिस्टेंस 101.10 से 101.80 रहेगा। यहाँ पर बिकवाली की सलाह है, यहाँ पर टारगेट 100 से लेकर 99.50 तक देखने को मिल सकता है, तो जीबीपी आईएनआर में बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। सबसे ज़्यादा वॉलिटी हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हुए देखी। अगर हम ग्वार की बात करें तो यहाँ पर करीबन 0.19% के गेंस के साथ 6,172 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। फिजिकल मार्केट में मॉडरेट डिमांड सप्लाई होने की वजह से भावों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 6,000 का सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस 6,450 का रहेगा। ग्वार सीड में अगले हफ्ते के लिए रेंज 6,000 से लेकर 6,300 की रहेगी। हमारा मानना है यहाँ पर लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेंड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें मसालों की तो यहाँ पर हमने टर्मरिक के अंदर 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी आते हुए देखी और टर्मरिक के भाव 8,816 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8,400 का और रेजिस्टेंस 9,200 का रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से, मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से टर्मरिक के भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया और टर्मरिक के भाव ऊपर में 9,000 के स्तर पर छूते हुए दिखाई दिए। एक्सपेक्टेड है कि टर्मरिक के भावों में अगले हफ्ते हम 9,000 तक के लेवल देख सकते हैं और आने वाले दिनों में मसालों में तेजी का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कॉटन की, जो कि सबसे ज़्यादा वॉलिटी यहाँ पर देखने को मिली, करीबन ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ कॉटन के भाव ऊपर में 41,460 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वैश्विक कारणों की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से, ड्रॉट सिचुएशन यूएस में होने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी कॉटन के भावों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। यहाँ पर सपोर्ट MCX में 40,000 का और रेजिस्टेंस 43,000 का रहेगा। हमारा मानना है कॉटन के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में टारगेट 42,500 से लेकर 43,000 के बीच हो सकता है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटी में हम अगले हफ्ते खरीदारी का ट्रेंड लौटते हुए देखेंगे, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीकली आउटलुक, आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल IIFL सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल, IIFL सिक्योरिटी का ट्विटर, IIFL सिक्योरिटीज़ का टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो कि आपके पोर्टफोलियो को अच्छा करने के लिए हेल्प करेंगी। डेफिनेटली हमें लगता है कि आप इस पोर्टफोलियो का, अपने पोर्टफोलियो को इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्पफुल देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।